सो वेलकम टू माय चैनल लाइफ क्रॉनिकल्स। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक वीडियो प्लेयर, मीडिया प्लेयर जो कि आपके लिए काफ़ी सुटेबल रहेगा, जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ, और चाहे आपकी कोई भी वीडियो हो, चाहे 4K हो, 8K हो, कितनी भी के हो, वो सब चला देगा। और उसमें कैसे सेटिंग्स करनी है कि वो आपके CPU की बजाय आपके हार्ड ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करे, जो भी लगा हुआ है, चाहे आपका लो लेवल का या हाई लेवल का, या CPU की, या कैसे कौन सी सेटिंग करनी है जिससे आपको वीडियो एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो है K-Lite कोडेक पैक। तो मैं उसे टाइप कर लेता हूँ, ऊपर ही आ जाएगा। तो डाउनलोड K-Lite कोडेक पैक पे जाना, और यहाँ से आप नीचे आओगे तो इसमें कोई भी ऐड नहीं आ रहे हैं वेबसाइट्स में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एड्स कैसे हटाएं, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो इसमें हम जाते हैं मेगा में, तो डाउनलोड मेगा पे क्लिक करता हूँ मैं, और ये जो HTTPS सर्वर आ रहा है ना, इस पे आप सिलेक्ट कर लो और आपका डाउनलोड ठीक हो है। जाएगा। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आपको जाना है एडवांस में, नेक्स्ट, और प्रिफर्ड ऑडियो प्लेयर जो आप यूज़ करते हो वो कर लेना, बट मैं इसे ही यूज़ करूँगा। तो एवरीथिंग पे क्लिक कर लेना, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स जो आपको इंस्टॉल करने हैं। और इसमें आप नीचे आना, और इसमें वैसे AC3 फिल्टर का नहीं आ रहा है, तो मेरे पास ऑलरेडी उसका पड़ा हुआ है सेटअप, तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा, पहले मैं ये दिखा देता हूँ। तो इसमें आप नेक्स्ट करना और नेक्स्ट करना, और कोई सेटिंग्स आपको छेड़नी नहीं है, आप चेक ही रहने देना, और नेक्स्ट करके। तो थीम आता है, एक क्लासिक आता है, एक मॉडर्न डार्क आता है, जो भी आप चूज़ कर लेना। तो मैं अभी आपको मॉडर्न डार्क वाला दिखा देता हूँ। और नेक्स्ट, डिकोडिंग मेथड जो सिलेक्ट कर रखा है डिफ़ॉल्ट इसने, ठीक है, अपना नेक्स्ट। और आप देखते होगे कि डुअल ऑडियो मूवीज़ अगर आप देखते हो तो ये उसके लिए, मान लीजिए कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है हिंदी, तो H टाइप करो आप, तो ये आ जाएंगी H से सारी। तो पहले आप कर दो हिंदी, सेकेंडरी मैं कर देता हूँ E से इंग्लिश, और भी आप कोई लैंग्वेज देखते हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो थर्ड लैंग्वेज। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट। तो वीडियो फाइल एक्सटेंशंस जो जो आपको चाहते हो कि ये प्लेयर चलाए, तो वो सारी मैंने ऑलरेडी सारी सिलेक्टेड है, ऑडियो भी सारा सिलेक्टेड है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो आप देख लेना आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हो, 2.1 यूज़ करते हो, 5.1, 6.1, 7.1, तो सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं स्टीरियो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल स्टीरियो लगा हुआ है, बाकी 5.1 का मैं नेक्स्ट एक और वीडियो में बताऊँगा। मेरे पास 5.1 होम थिएटर भी है कि बेस्ट आवाज़ कैसे है। तो ये हम कर लेते हैं अब नेक्स्ट। तो थंबनेल्स, थंबनेल्स होता है जो भी आपकी वीडियो है ना, तो उसको दिखाता है कि भाई उसमें है क्या, जैसे थंबनेल कहते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता तो बता रहा हूँ। तो सारा सिलेक्टेड है, तो नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देते हैं। सो ये हमारा K-Lite कोडेक पैक अब इंस्टॉल हो रहा है। सो ये मेरा हो गया, अब इसको कर देते हैं फिनिश। पेज खोलेगा, अब देखो आप इसमें ऐड ब्लॉकर नहीं डला हुआ, इसलिए ऐड आ रहे हैं। तो इसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वो बहुत से लोग माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ करते हैं कि इसमें से कैसे ऐड हटाएं। तो अब हम चलाते हैं कोई वीडियो। तो ये एक मूवी पड़ी है मेरे पास, तो ये डुअल ऑडियो इविल डेड 2, तो इसको हम प्लेयर में रन करते हैं। तो ये देखोगे आप, ये मॉडर्न डार्क है आपका। तो और इसमें मैं दिखाता हूँ, आप राइट क्लिक करोगे ना तो ऑडियो ट्रैक में जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हिंदी सिलेक्टेड है, सेकंड आपकी इंग्लिश आ रही है। तो ये देखोगे अभी हिंदी आ रही है, अमावस्या की काली रातों में ठीक है, और अभी मैं इंग्लिश करूँगा तो ये इंग्लिश हो जाएगी। रफली ट्रांसलेटेड बुक ऑफ द डेड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सिंपल ऑडियो का। और अगर आपको सबटाइटल देखने हैं तो आप सबटाइटल ट्रैक में आओ, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा एनेबल कर लो और उसे सिलेक्ट कर लो।
देखोगे आप सबटाइटल भी आ गए आपके, और आपको हटाने हैं तो सबटाइटल ट्रैक पे जाके एनेबल हटा दो, सबटाइटल आपके हट जाएंगे। फिर इसके बाद एक सेटिंग और देखते हैं हम कि फिल्टर्स में जाके आप एमपीसी वीडियो फिल्टर में जा सकते हो। यहाँ पे आप काफ़ी ऑप्शंस देख रहे होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन में जाऊँगा और हम जाएंगे आउटपुट में, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मैड वीआर। अब आप कहोगे मैड वीआर क्यों, अगर आप कोई 4K मूवी डाउनलोड करते हो आप देखोगे उसके कलर थोड़े डल होते हैं, तो ये उन कलर्स को एनहांस कर देता है नॉर्मल डिस्प्ले के हिसाब से। चाहे आपका HDR डिस्प्ले ना भी हो, HDR वीडियो के कलर्स को वो नॉर्मल अच्छे से कर देता है, बट ये आपका रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उस सिस्टम के लिए जिसकी कॉन्फ़िगरेशन लो है। बट हाँ, चला देगा, अगर आपको सिर्फ वीडियो ही देखनी है तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हो। तो ये अब हमारा मैड वीआर ओपन हो गया, फिल्टर्स में जाओगे देखोगे अब मैड वीआर आ रहा है, तो इसकी सेटिंग में जा सकते हो, देखोगे पूरा मेरा डिस्प्ले इसने डिटेक्ट कर लिया है कौन सा है। तो यहाँ से आप सारे ऑप्शंस हैं, आप कलर्स भी कम ज़्यादा कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, HDR को भी सेट कर सकते हो इसमें। तो ये थोड़ी काफ़ी डिटेलिंग वाली है, अभी तो मैं सिर्फ प्लेयर का ही बता रहा हूँ आपको, तो बाकी ये डिटेलिंग वाली चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको यूज़ करना है। ये देखोगे आप, अभी तो इसमें मेरा नॉर्मली ग्राफिक्स कार्ड ही लगा हुआ है, बट अगर मेरा लैपटॉप होता, दो होते जैसे इंटेल का अलग, एनवीडिया का अलग, तो उसमें आप राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में जा सकते हो, फिर आप जाओ ग्राफिक्स सेटिंग में और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाता है। तो यहाँ पे जाके ना ऑप्शंस में जाओ और हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक कर दो। तो अभी तो मेरा एक ही ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें सीपीयू में भी कोई ग्राफिक्स का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से सिर्फ एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 3060 Ti आ रहा है। बट अगर यहाँ इंटेल का भी होता तो पावर सेविंग में आता इंटेल का और हाई परफॉर्मेंस में आता आपके ग्राफिक्स कार्ड का, तो आपको उस पे जाके सेव कर देना है और उसे बंद करके फिर से ऑन कर लोगे तो आपका वही ऑन हो जाए। तो ये आप देखोगे तो वीडियो एंड कोड वगैरह सारा करता है वो, अभी तो ये OBS को भी कर रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये हमारा वो प्लेयर, मीडिया प्लेयर क्लासिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और भी वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।